सिर्फ अकल दार निकलने से अकल नहीं आती, इंसान को इंसान बनने में जिंदगी निकल जाती है। सुपर्ब, वंस मोर सर। ये बचाओ, सुनिए बस देखिए मत, इसे खींचिए। टूट जाएगी, पीछे हटिए। ये लाते, थैंक यू सो मच। रो मत बेटा, हम बचा लेंगे तुम्हें। समझ करो, लापाली लाओ पाली, सही सलामत। हटो हटो, सामने से हटो, चलो भीग कम करो। काली नजर, बुरी नजर, आड़ी नजर, तिरछी नजर, सब नजर छू, नानी का टोटका सब ठीक कर देगा। फेस टू फेस खड़े हो जाओ, इतने फार क्यों खड़े हो? आज नानी का माउथ शट है ना, इसीलिए आई एम टेलिंग। इधर आओ बेटा। चंद्रशेखर सिंह जी का बेटा और आपका पोता हूं दादी। hey! तेरी यार की हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो और कहां से आए हो? ऐसे बुढ़िया पूछ रही है, मतलब नानी। आज इसका मौन व्रत है ना, फिर भी सवाल जवाब जरूर करेगी। फॉरेन से आया है, लंदन में पला बड़ा है, खेती बाड़ी के बारे में सीखने आया है, कुछ दिन यही रहेगा हमारे साथ। हाँ सीखो जी भर के खेती इनसे, ऐसी खेती करते हैं किसान भूखे मर जाते हैं, बड़े उस्ताद हैं। साला सट्टे बहुत, इस मुर्गे की बातों में ध्यान मत देना, ले जाओ जरा तगड़ा नाश्ता कराओ इसे, बहुत मेहनत की है। ठीक है, बिल्कुल शर्माना मत, दबा के खाना। नाम क्या बताया? अभी, आई मीन अभी राम। राम, ठीक है राम।
मैं अपना सामान उठा लूंगा। अरे मुझे तो वाह, ये घर तो बिल्कुल महल लगता है। ये हमारे ससुर जी का पुश्तैनी घर है। और आप? मैं घर का बड़ा जमाई काशी, और ये हैं छोटे जमाई। मैं यहाँ का करता धरता। ससुर जी अपने दोनों बेटों के साथ नहीं रहते, बेटियाँ भी चली जाएंगी तो वो सुखी कैसे रहेंगे। जिस लड़की को आज तुमने बचाया, मैं उस बच्ची का पिता हूँ। जान बचाने के लिए थैंक यू, पूरा परिवार तुम्हारा फैन बन गया है। ये चित्रा है। हमारी सासू माँ की दूर की रिश्तेदार, हमारे साथ ही रहती है। हेलो अंकल खीर। थैंक यू स्वीटहार्ट। ये तो सुपर्ब है। हे कम कम कम। देखो मैं तुम सबके लिए लंदन से कितने चॉकलेट्स लाया हूं। ये लो। थैंक यू अंकल। तुम सबके लिए एक किस दो। ला इधर आ। थैंक यू। मासी ने ये सब तुम्हें देने को कहा है, तुम इस तरह की चीजें खाओगे ना? ऐसे क्यों पूछ रही है? बिल्कुल खाऊंगा। तुम विलायती जो हो। इसमें क्या है? मेरे बाबा तो हर संडे ऐसी डिशेस बनाते हैं। तुम्हारे बाबा खाना भी बनाते हैं? तो माँ ऑफिस जाती है? मेरी माँ बचपन में ही चल बसी। सेम केस, मेरे भी माता पिता काफी पहले दुनिया से चले गए। आई एम वेरी सॉरी। मेरी तरफ से भी सॉरी। तुम्हारी माता जी नहीं है ना? बात से फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हो तो हाथ मिलाओ यार। हाँ फ्रेंड्स। ये बट आई लाइक द होल थिंग। बिग हाउस, दादा हैं, दादी हैं, एंड सो मेनी पीपल। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरा परिवार है। यहाँ आके मजा आ गया। एक ब्रेकिंग न्यूज बताओ बाबा। हाँ बेटा। दादा ने आपकी फोटो पर हार चढ़ा दिया है। What? It's not funny. मैंने कहा था ना, तेरे दादा ऐसे ही हैं। ये बता माँ कैसी है? अच्छा बंगाली से मिलने का मौका मिला? वो आजकल क्या करता है? वो मुझे थोड़े से अजीब लगते हैं। घर पर रहते ही नहीं। क्यों? ये अब तक मेरे पल्ले नहीं पड़ा। संभल कर, तेरे दादा बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल हैं। भले ही मैं उनसे दूर हूँ, लेकिन ये जानकर दिल को तसल्ली मिली कि वो सब खुश हैं। हमें उनकी खुशी को डिस्टर्ब नहीं करना है। बाय। Bye. Come back soon. Good night, Dad. Good night. Good night, Indu. Good night. Miss you both. हाँ, ठीक है। कॉल करता हूँ मैं। जी। बोलो ना, करता हूँ। मेरे परदादा एमपी थे, मेरे पिता भी एमपी थे, और मैं भी एमपी हूँ। कोई आलतू फालतू लोग नहीं है हम। तुझे भी एमएलए बनाने वाला हूँ, और तू है कि मुर्गों पर सट्टा लगाता पिता कमीना। अरे भाई, उसको क्यों मार रहे हो? ये घोटाला तुम्हारे ताऊ बलराज की वजह से हुआ है। अपने बेटे को तो वो ठीक से संभाल नहीं पाता है, तुम्हारे बेटे को पुलिस में पकड़वा दिया। ताऊ मत बोलो, पलौती है साला। पिछले इलेक्शन में मैंने बोला था मुझे सपोर्ट कर, पांव भी पकड़े थे। सपोर्ट तो दूर, साले ने मुझे ही हरवा दिया। ताऊ बोलते साले को ताऊ। जमानत की रकम भी जब्त हो गई थी। कहने को वो मेरा भाई है, पर हमारी तरक्की से मन ही मन जलता है। अरे जलता है तो जले, हम क्या करें? उसको तो जिंदा जला देना चाहिए। पॉलिटिक्स और गुस्से को मिलाना नहीं चाहिए। जरूरत पड़ने पर पैरों पर गिरना चाहिए, काम हो जाने पर पैरों को खींच के गिरा देना चाहिए। फिलहाल तो हमें बियर फैक्ट्री लगाने पर ध्यान देना चाहिए। अपना दिमाग उस प्रोजेक्ट पर लगाओ। मेरे भाई को तो बाद में देख लेंगे। गुड मॉर्निंग सर, आई मीन सुप्रभात। शुभोदयम। शुभोदयम। चाहे कहीं भी रहो, अपनी मातृभाषा कभी नहीं भूलनी चाहिए। शो गुरुजी, ये कराटे कर सामू। हाँ, मैं सीख सकता हूँ? हाथ पैर तोड़वाने हैं क्या? नो पेन नो गेन गुरुजी। क्या हो? मतलब मर्द को कभी दर्द नहीं होता। नमस्ते गुरुजी। इस कला में कभी अपने विद्रोही को नमस्ते नहीं करते। ओ, तो फिर नारायण। वही घोल के पी गया। मुझे सीखने में एक महीना लगा था। ये कोई मामूली पुरुष नहीं है। पुरुष नहीं, महापुरुष है। आप भी पुरुष नहीं हो क्या? आप तो हो। गुरुजी, मार मुझे।
बाबूजी, गेट रेडी हाँ। अरे अच्छे से मार ताकि बुड्ढे की अकल ठिकाने आ जाए। देख फटका। इधर। रुक मैं भी आता हूँ। देखिए ना। दुबली क्यों हो गई? घर में खाना नहीं मिलता क्या? हाँ, एग्जाम्स के लिए रात दिन पढ़ाई करती थी, खाने का भी होश नहीं रहता था। पढ़ूंगी तभी टॉप करूंगी ना, सही कह रही, ताकि अंकल अपनी मुझे शान से ऊंची कर सके। राम, ये गुरुजी, ये सत्या मेरे दोस्त की बेटी। हेलो। और ये लंदन से आया है खेती बाड़ी का व्यवसाय सीखने के लिए। हाय। नमस्ते। देखा, ये है संस्कार। ए, जाके तैयार हो जाओ, हम खेत चलेंगे। ओके, मैं अभी आया। मुझे भूख लगी है। अरे चल ना, तेरी बारी है। मैंने फेंका ना, तेरी बारी है ना, चल। ये ले। अबे सीधा सीधा फेंक वरना मुंह तोड़ दूंगा। अरे तेरे 12 क्यों बजे? अच्छा 13 नहीं बजे, जब से मेरे बुड्ढे ने मेरे को घर से बाहर फेंका है मेरे मूड की ऐसी तैसी हो गई है। तो और बात बात पे मेरे को सट्टेबाज बोलता है, लेकिन समझ में नहीं आता मुझे घर से क्यों निकाला। कोई तो बताओ। मैं बताता हूँ, इसलिए क्योंकि उनको लगा तुम घर पे रहो ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को सट्टेबाज क्यों बोलता है? तेरे कितने भाई बहन? बस मैं और मेरी बहन, छोटी बहन। नमस्कार। लंदन में तेरे बाबा भी खेती करते हैं क्या? वो क्या कहा? वो डॉक्टर है। कुछ करता धरता नहीं। गुरुजी, दिखने में तो बड़ा हॉस्पिटल लगता है, ये बंद क्यों पड़ा है? जिसके लिए बनाया था ना, वो सालों पहले मेरे लिए मर गया है। धोखेबाज। अभी भी काफी गुस्सा है।